आज पार्ट एट में इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल एबीसी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पर यहाँ राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के कुछ स्पेशल नाम होते हैं। तो जहाँ पर राइट एंगल बनता है उसकी अपोजिट साइड को, यहाँ पर एंगल बी पर राइट एंगल बन रहा है तो एंगल बी के अपोजिट साइड एसी है, तो राइट एंगल की अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं और अदर टू साइड्स को, राइट एंगल को, लेग्स ऑफ राइट एंगल बोलते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एसी इज द हाइपोटेनस और ये वाली साइड एबी साइड एंड बीसी साइड आर द लेग्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दे रही हूँ, अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को मैं हाइपोटेनस साइड को मैं सपोज देती हूँ कि ये इसका जो लेंथ है वो ए यूनिट है, ए बी की लेंथ बी यूनिट है और बी सी की लेंथ सी यूनिट है। तो यानी इसकी जो लंबाई है वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसकी ए है, इसकी बी और मैंने इसकी सी सपोज किए है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी बता रही हूँ, अगर आप इसे करेंगे तो आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको टोटल 8 ट्रायंगल लेना है और इक्वल साइज़ के, सेम साइज़ के ट्रायंगल लेना है। जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर हाइपोटेनस साइड ए यूनिट है, ये बी यूनिट और ये सी यूनिट है। तो किसी भी तीन साइड्स के आप किसी भी लेंथ के ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसके 8 पीसेस कट करेंगे और 8 पीसेस कट करने के बाद जितना आपने ये वाली साइड रखी है बी सी और ए सी साइड उसके इक्वल आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है। जैसे सपोज ये 2 है और ये 4 है, तो 4 + 2 = 6, तो 6 सेंटीमीटर, सपोज 6 सेंटीमीटर का आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है। ऐसे आपको दो स्क्वायर ड्रॉ करना है, स्क्वायर ए और स्क्वायर बी। तो आप टोटल 8 ट्रायंगल कट करेंगे सेम साइज़ के, 4 ट्रायंगल को आप यहाँ रखेंगे इस तरह से और 4 ट्रायंगल को आपको इस तरह से रखना है। तो आप जब एक ट्रायंगल ऐसा रखेंगे तो इसका राइट एंगल वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, ऐसे दूसरे ट्रायंगल का, तीसरे ट्रायंगल का और चौथे ट्रायंगल का, और हाइपोटेनस साइड इधर आना चाहिए। तो ये वाली साइड जो है हाइपोटेनस साइड हमारी ए है, ये ए है, ए है, ए है। तो यहाँ पर जब हम 4 ट्रायंगल फिट करेंगे तो अंदर जो एरिया हमको मिलेगा, जो खाली एरिया है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर यानी दो एडजेसेंट साइड का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला से ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा एरिया। उसी तरह से हम स्क्वायर बी लेंगे और उसमें हम 4 ट्रायंगल इस तरह से फिट करेंगे कि ये वाला एरिया और ये, इसकी भी लेंथ सेम रखनी जितनी इसकी रखी बी सी की। तो सेम इक्वल आपको इक्वल साइज़ के दोनों स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल इस तरह से फिट किए और दो ट्रायंगल इस तरह से फिट किए। तो यहाँ पर ये जो है अनकवर्ड एरिया है बी और ये, तो यहाँ पर हमको दो स्क्वायर मिले, एक ये मिला और ये मिला। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से ये साइड बी है, ये साइड बी है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये साइड सी इंटू सी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा स्क्वायर, दोनों स्क्वायर इक्वल है और इनके अंदर जो ट्रायंगल्स हमने फिट किए हैं वो भी इक्वल है। तो जो अनकवर्ड एरिया होगा वो भी इक्वल होगा, मतलब इस वाले स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू इस स्क्वायर का जो एरिया है, ये जो दो एरिया हमको मिले हैं अनकवर्ड एरिया, तो ये एरिया प्लस ये एरिया ये इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर ए का जो इनर स्क्वायर है, अंदर वाला स्क्वायर है, उसका एरिया किसके इक्वल होगा? द टोटल एरिया ऑफ टू अनकवर्ड स्क्वायर इन स्क्वायर बी। स्क्वायर बी में जो टोटल एरिया है ऑफ टू अनकवर्ड स्क्वायर, ये दो अनकवर्ड स्क्वायर है ये और ये, इनके टोटल एरिया के इक्वल होगा। किसका एरिया? स्क्वायर ए का या इनर स्क्वायर का एरिया। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों के एरिया का स्क्वायर के सम के, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। और यही पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस, अगर सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड ये वाले, यहाँ पर राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस है। तो ऑन द हाइपोटेनियस मतलब हाइपोटेनियस के ऊपर जो स्क्वायर ड्रॉ होगा, ये स्क्वायर है, ये जितना साइड है वह सेम साइड हम लेंगे बाकी की तीनों भी, वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द स्क्वायर
ऑन द लेग्स, ऑन द लेग्स मतलब ये जो लेग साइड है इसके ऊपर, ऑन द लेग्स मतलब लेग साइड के ऊपर जो स्क्वायर ड्रॉ होगा उसके सम के इक्वल, इस हाइपोटेनियस के ऊपर जो स्क्वायर ड्रॉ होगा उसके इक्वल होगा, यानी इन दोनों का हम सम करेंगे वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस के ऊपर जो स्क्वायर ड्रॉ किया उसके इक्वल होगा। तो सपोज इसका एरिया है ए स्क्वायर है, इसका बी स्क्वायर है और इसका सी स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का एरिया का सम हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इट सेज दैट फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग। तो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है कि किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनियस के ऊपर जो एरिया ड्रॉ होगा स्क्वायर का एरिया वो किसके इक्वल होगा, उसके लेग साइड के ऊपर जो स्क्वायर ड्रॉ होगा उसका एरिया के सम के इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर का एरिया होगा। मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल लिया है जिसकी हाइपोटेनियस साइड 6 और लेग साइड 5 और 4 है, तो हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो कैसे हम इसको बताएंगे कि यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे दोनों लेग्स के स्क्वायर का एरिया का सम, तो एरिया ऑफ स्क्वायर सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर्स ऑन लेग साइड, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आया और ये 36, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों स्क्वायर का एरिया का जो सम है वो इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया है जिसकी साइड है लेग साइड 4, 5 और हाइपोटेनियस साइड 7 है, तो आपको बताना है कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफ़ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल, का पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो ट्राइंगल पक्का राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और नहीं हो रही तो नहीं होगा। मतलब पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स मीन्स जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है, दोनों लेग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर का सम इस वाले एरिया के स्क्वायर के इक्वल आता है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं हो रही तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं जहाँ पर ये हाइपोटेनियस साइड है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं और ये लेग साइड है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो सपोज ये वाली साइड एक्स है, तो एक्स स्क्वायर पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सपोज ये ए साइड है, ये बी है और ये सी है, तो ए साइड यहाँ पर दी हुई है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कोई भी साइड को हम बी सपोज कर सकते हैं या सी, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 4, 4 जा 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9 25, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, अगर आपने स्क्वायर रूट आपको याद होगा कैसे निकालते स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 5। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा जिनको नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो में सर्च कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये वाले ट्राइंगल में ये वाले साइड 6 है, ये 8 है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हुआ और अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।